रायपुर से देखेंगे, देश के कई युवा विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन विदेशों में युवा ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं, जो प्रदेश के लिए वाकई में गर्व की बात है। दरअसल विदेश से डॉक्टर एस महदी मनाफी ट्रेनिंग के लिए रायपुर आए हुए हैं। वो रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ नेत्रालय में 10 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में डॉक्टर मनाफी ने बताया कि वो नई तकनीकों के बारे में जानने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें इस अस्पताल के बारे में जानकारी दी थी, लिहाजा वो भी यहाँ इसलिए आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर अभिषेक मेहरा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर मेहरा बेहद ही अनुभवी हैं और उनमें काफी कौशल भी है। ट्रेनिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें यहाँ काफी नई चीजें जानने के लिए मिल रही हैं और ट्रेनिंग सेशन के दौरान उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में नई तकनीकों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। साथ ही अस्पताल में वे एक दिन में 250 के करीब मरीजों को देखते हैं, जो कि विदेशों में वो एक हफ्ते में देखते थे। डॉक्टर एस महदी मनाफी ने बताया कि रायपुर आने के लिए उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था और उसके बाद वहां से अनुमति मिलने के बाद वो यहां आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ नेत्रालय के डॉक्टर अभिषेक मेहरा ने बताया कि यह अस्पताल एक चैरिटेबल संगठन है, जो कि पिछले 40 सालों से लोगों की निरंतर सेवा करता आ रहा है। I'm doing training in ophthalmology and I wanted to get some more skills about the cataract surgery and the different types and different skills. One of our professors, one of our very well known corneal specialists back to the UK introduced me to Dr. Mehra. Dr. Mehra, actually he was doing some the fellowships in London. And Dr. Hamada introduced me to him. They have very special techniques here. And then later I applied for registration in the Medical Council of India, and now I am here. जी देखिए, ये अस्पताल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 40 साल से चल रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, कि जब यहाँ पर कोई यूके से ट्रेनी आया है जिसने हमारा नाम सुना बाहर, जिनके प्रोफेसर्स ने बोला कि आप यहाँ पर जाइए ट्रेनिंग के लिए, तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि ये आए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और प्लस हमारी टीम द्वारा इन्हें काफ़ी अच्छा ट्रेन किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि दैट अब वो समय आ गया है कि दैट अब इंडियन डॉक्टर्स के लिए दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड, मतलब इंडियन डॉक्टर्स जो हैं, इंडियन सर्जन्स जो हैं, वह किसी भी देश के सर्जन से कम नहीं है। और ये बात बहुत ही अच्छी है और इसी अच्छी खबर के साथ